सीएसके टीम से अलग होंगे रविंद्र जडेजा, कप्तानी छीनने से लेकर बाहर होने तक जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोर्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रविंद्र जडेजा की कप्तानी छीनने से लेकर बाहर होने तक का क्या है पूरा मामला। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और साथ ही आप भी रविंद्र जडेजा को एक घातक ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग का सफर काफी खराब रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि चेन्नई सुपर टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएसके के रविंद्र जडेजा को सीजन से पहले MS धोनी की जगह कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन जडेजा ने सीजन के बीच में ही कप्तानी छोड़ दी। उसके साथ चोटिल होने की वजह से सीजन से बाहर हो गए। वहीं अब खबरें ये आ रही हैं कि सीएसके और जडेजा के बीच एक बड़ा विवाद चल रहा है और अब ये खिलाड़ी टीम से अलग हो सकता है। रविंद्र जडेजा के लिए IPL 2022 काफी खराब रहा है। बतौर कप्तान और खिलाड़ी दोनों में वे फेल रहे हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद उन्होंने टीम की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। इन सब बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि रविंद्र जडेजा सीएसके का साथ छोड़ सकते हैं। जडेजा करीबी सूत्र से द इनसाइड स्पोर्ट को बताया कि जडेजा टीम मैनेजमेंट से बहुत आहत हैं। करीबी सूत्रों ने कहा रविंद्र जडेजा इस पूरे विवाद से बहुत आहत हैं। कप्तानी के मुद्दे और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। सब कुछ बहुत अचानक हुआ और कोई भी इससे आहत ही होगा। कहीं न कहीं जडेजा कप्तानी पर लिए गए फैसले के बाद बड़ा कदम उठा सकते हैं। रविंद्र जडेजा पसली में चोट के कारण सीजन से बाहर हुए हैं, लेकिन सूत्रों ने दावा किया था कि इस ऑलराउंडर को बाहर किया गया है क्योंकि जडेजा और चेन्नई सुपर किंग पहले ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं। जडेजा के करीबी सूत्रों ने द इनसाइड स्पोर्ट पर उनकी चोट पर कहा, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ उन्हें चोट लगी थी, लेकिन वह कितनी गंभीर है इसकी कोई जानकारी नहीं है। IPL 2022 रविंद्र जडेजा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। वह गेंद और बल्ले से कमाल करने में विफल रहे, यहाँ तक कि उन्हें खराब फील्डिंग के लिए भी आलोचना झेलनी पड़ी। रविंद्र जडेजा IPL 2022 के 10 मैच में 20 के औसत से सिर्फ 116 रन ही बना सके। वह 7.51 की इकोनॉमी रेट से 5 विकेट ही चटका पाए। जडेजा ने 8 मुकाबले में टीम की कप्तानी की, जिसमें सिर्फ 2 ही मैच जीत सकी, बाकी 6 में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा को सीएसके टीम छोड़ना चाहिए या नहीं, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।